संप्रदायवाद भारत छोड़ो। देश को प्रगति करनी है तो शांति, एकता, सद्भावना, इस मूल मंत्र को हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। समाज की एकता राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा होती है, मुख्य शक्ति होती है। विविधता में एकता, यही हमारे देश की पहचान है, यही हमारी ताकत है। हम एक रूपता के पक्षकार नहीं है, हम एकता के पक्षकार हैं। सभी संप्रदायों का फलना फूलना ये भारत की धरती पर ही संभव होता है, ये भारत की विशेषता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान बना है वो संविधान हजारों साल के हमारे चिंतन की अभिव्यक्ति है। हमारा जो संविधान बना है वो हमारे भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं की प्रतिबिंबित करने वाला संविधान है, और इस संविधान के मर्यादा में रह करके देश चल सकता है। देश संविधान की मर्यादाओं के बाहर नहीं चल सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है, किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है। हर एक किसी को अपने साथ चलने का अधिकार है। और मेरी जिम्मेवारी है, सरकार में बैठा हूं, सरकार कैसे चलेगी उसकी जिम्मेवारी है। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण।